गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं और प्रेजेंट होने के जस्ट बाद क्या करना होता है, आप सभी को अपना अटेंडेंस बनाना होता है। और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस तो आप सभी को पता है, तरीका पता है, तो प्लीज़ आप सभी बच्चे अटेंडेंस बना लें। और अटेंडेंस बन गया हो तो आप सभी को क्या करना है, अपनी नोटबुक ओपन करनी है। जिनके पास बुक है वो भी ओपन करेंगे और जिनके पास बुक्स नहीं है वो भी ओपन करेंगे, ठीक है। और कल मैंने आप सभी बच्चों को क्या दिया था, एनिमल्स एंड देयर साउंड्स नेम। कुछ एनिमल्स नेम और उनके साउंड्स आप जान रहे थे और कुछ ऐसे थे जिनके बारे में आप नहीं जान रहे थे, तो उसे क्या करना था, आप सभी बच्चों को रिमेम्बर करना था। तो आई होप, मैं आप लोग से उम्मीद कर सकती हूँ कि आप सभी ने उस साउंड्स को याद किया होगा, है ना। और मैंने ये भी बोली थी कल आप सभी को कि कुछ एनिमल्स एंड साउंड्स नेम बचे हुए हैं जो आज के बारे में कि आज मैं आप लोगों को कराऊँगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ जानना ज़रूरी है क्योंकि आपके बुक्स में है। साउंड्स नेम भी जानना ज़रूरी है, शेल्टर नेम्स भी जानना ज़रूरी है और उनके खाने का तरीका भी आपको पता है कि वो क्या खाते हैं, है ना। जैसे कि वाइल्ड एनिमल, जैसे लायन फॉर एग्जांपल, लायन टाइगर, ये सब क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, ओनली फ्लैश, मतलब दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो दोनों खाते हैं, जैसे बियर, है ना, उसके बाद आपको क्या वॉल्फ हो जाएगा। आप सभी की बुक में है इस चीज़ के बारे में, तो ये सभी जानवर क्या खाते हैं, तो ये दोनों चीज़ खाते हैं, डॉग क्रो ये दोनों चीज़ खाते हैं, बियर डॉग क्रो ये सब क्या खाते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं, है ना, फ्लैश खाते हैं मतलब। उसके बाद है बर्ड्स, बर्ड्स क्या खाती है, तो वो ज़्यादातर ग्रेन ही खाती है, ज़्यादातर यानी कि मोस्टली बर्ड क्या खाती है, अनाज खाती है, चावल दाल ये सब, मतलब जो बीज होता है उसे खाती है ज़्यादातर जो। और कुछ बर्ड्स ऐसे भी है जो फ्लैश खाती है और दाने भी खाती है, जैसे क्रो है, ईगल है, ईगल काइट है ना, वल्चर, ये सब क्या है, ये सब आपको फ्लैश खाती है, मरे हुए जानवरों को खाते हैं। और आप कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट, जैसे काऊ हो गया, ज़ेब्रा हो गया, जिराफ हो गया, आपको बुफेलो है, गोट है, रैबिट है ना, इस तरह से और भी बहुत सारे जानवर हैं, एनिमल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, ईट करते हैं ना। तो इस बारे में तो जान गए। और कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे पेट एनिमल जिनको हम अपने साथ अपने घर में रखते हैं, है ना। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो डोमेस्टिक, मतलब जिनको हम अपने फ़ायदे के लिए पालते हैं, उनसे काम लेते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको हम पालतू नहीं बना सकते हैं, ठीक है, जिसे हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। और सभी जानवरों की अपनी बोली भाषा होती है, सभी जानवरों का अपना घर है, उसका नाम है, तो उसी सब चीज़ को आपको यहाँ पर जानना है। और वही सब चीज़ का रिवीजन भी हो रहा है ना, उसी सब चीज़ का हम रिवीजन कर रहे हैं, आप सभी बच्चे उसको नोट कर रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों को सिर्फ नोट करके छोड़ नहीं देना है, उसे क्या करना है, रिमेम्बर करते रहना है, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स के नेम और उनके साउंड्स आज मैं नोट करवा दूँगी, मतलब टोटल हो जाएगा, तो उन सभी को आप लोग याद करते रहिएगा, फ्री टाइम में आपको याद करते रहना है ना। ये नहीं कि यानी कि थोड़ा देर खेलिए, खेलना मना नहीं है, बच्चे को खेलना भी चाहिए, खेलना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक तरह का एक्सरसाइज है, लेकिन हर टाइम भी नहीं खेलना है, हर टाइम खेलना ये गलत है, ये बैड हैबिट है। पढ़ाई करने के टाइम पढ़ाई कीजिए और जो खेलने का टाइम होता है उस टाइम ही खेलिए, ये नहीं कि दिन भर हम खेल रहे हैं, रात में भी खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और पढ़ाई से हमें कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं करना है, ये बैड मैनर्स हो जाएगा। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करना है, थोड़ा सा टीवी भी देखना है क्योंकि उससे क्या होगा, माइंड फ्रेश भी होगा, है ना। और
हर टाइम टीवी भी नहीं देखना है, ये नहीं कि हम टीवी ही देख रहे हैं, खेलने नहीं जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। टीवी थोड़ा देखिए, और जो आउटडोर गेम्स होते हैं, तो अभी फ़िलहाल तो कोरोना वायरस की वजह से आप सभी बच्चों को या हम सभी, यानी कि हम सभी ह्यूमन बींग को बाहर निकलना मना है ना। जो ज़रूरत का काम होता है उसी बहाने हमें निकलना है, लेकिन आपके बड़े जो पापा हैं या भैया जो बड़े हैं उन्हें ही निकलना है। आप सभी बच्चों को तो खास करके अभी के माहौल में बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो आप सभी इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, बाहर नहीं निकलना है। घर में जो चीज़ आप खेल रहे हैं जैसे लूडो है, ये सब है, तो ये सब चीज़ आप लोग खेल सकते हैं, कैरम वगैरह, है ना। तो ज़्यादा मोबाइल नहीं यूज़ करना है, मोबाइल ऑनलाइन क्लास के लिए आपको यूज़ करना है, मोबाइल पर ज़्यादा गेम नहीं खेलनी है। उसके बाद टेलीविज़न ज़्यादा नहीं देखना है, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है, और उसके बाद आपको जो खेलने का टाइम है उसी टाइम आपको खेलना है। इन सब चीज़ों का आप सभी बच्चे बहुत 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 ध्यान रखें, ठीक है ना। और खाने पीने पे भी ध्यान रखना है, खाना पीना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो खाने पीने पे भी ध्यान रखना है, पढ़ाई पे भी ध्यान रखना है, और खेलने पे भी ध्यान रखना है, लेकिन कम खेलना कम है, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने 12 साउंड्स यानी कि एनिमल के साउंड्स लिखवाए थे, और आज कुछ और है, मतलब आज 5 से 6 होगा, तो उसे भी लिखवा देती हूँ और टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके नीचे आप लिखना स्टार्ट करेंगे। हेडिंग रहेगा रिमेंबर, ओके, रिमेंबर ही है, इसे आपको रिमेंबर करते रहना है। और 12 है, 12 के नीचे से आप डेट डालिएगा और उसी के नीचे से आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा। बोलते हैं या क्राई, CRY क्राई, ये दोनों हो सकता है, ठीक है। हाउल भी होगा और क्राई भी हो सकता है, क्योंकि उसके जो रोने की यानी कि उसकी जो साउंड होती है एक तरह से वो रोता है ना। कभी आप सुनिएगा टेलीविज़न या अपने आसपास होता है कभी कभी, मतलब जो वोल्फ मतलब फॉक्स या वोल्फ, ये जो जंगल में पाया जाता है ये ख़तरनाक होता है, वोल्फ जो होता है वो ख़तरनाक होता है, तो उसके साउंड को हाउल बोलते हैं या क्राई बोलते हैं, ठीक है। मतलब चीखना, एक तरह से वो चीखता है, ज़ोर से चीखता है। 14 है लायन, लायन के साउंड को तो जानते ही हैं, लायन के साउंड को रॉर बोलते हैं, ROAR, रॉर मीन्स होता है दहाड़ना। 15 है फॉक्स, फॉक्स क्या है, येल्प, YELP, येल्प, ठीक है। येल्प मीन्स भौंकना होता है, ठीक है ना, येल्प का मीनिंग भौंकना होता है, और बार्क का भी मीनिंग भौंकना होता है, ठीक है। 16 नंबर है मॉस्क्यूटो, मच्छर, मॉस्क्यूटो के साउंड को वाइन बोलते हैं, WHINE, वाइन, वाइन मीन्स होता है भनभनाना, मतलब एक तरह से उसकी जो भनभनाहट होती है तो क्या होती है, बहुत धीमी आवाज़ होती है, लेकिन अगर इंसान के आसपास वो बोले तो क्या होता है, इंसान का मतलब वो कर्ण भेदी होता है, दम सर और कान काम नहीं करता है ना। आप सभी इस चीज़ से यानी कि वाकिफ़ होंगे, इस चीज़ को देखे होंगे और मच्छरों की आवाज़ को सुने होंगे, तो उसकी आवाज़ को हम वाइन बोलते हैं, ठीक है। 16 के बाद 17 में है चिंपैंजी, चिंपैंजी की आवाज़ को स्क्रीम बोलते हैं, SCREAM,
आर ई ए एम स्क्रिम। स्क्रिम मीन्स होता है चीख मारना, वो भी चीखता है, उसकी जो आवाज़ होती है वो भी एक चीख जैसी होती है। 18 शिप एस एच ई ई पी शिप। शिप शिप की जो साउंड होती है वो ब्लिट होती है, ठीक है, ब्लिट। उसके बाद हेन एच ई एन हेन। यहीं पे मैं लिख देती हूँ 19 हेन। हेन के साउंड को क्लक बोलते हैं, सी एल यू सी के क्लक, ठीक है, क्लक। तो इस तरह से आपको टोटल 19 एनिमल्स एंड उनके साउंड्स का मैंने नेम लिखवा दिया, और इन सभी को आप याद कर लीजिएगा। वॉल्फ डब्ल्यू एच एच ओ डब्ल्यू एल हाउल या क्राई दोनों हो सकता है। लायन रॉर आर ओ ए आर रॉर। फॉक्स येल्प वाई ई एल पी एल। मॉस्क्यूटो एम ओ एस क्यू यू आई टी ओ। मॉस्क्यूटो मीन्स होता है मच्छर, उसके साउंड को बोलते हैं डब्ल्यू एच आई एन ई वाइन। चिंपैंजी सी एच आई एम पी ए एन जेड ई ई चिंपैंजी, उसके साउंड को स्क्रीम बोलते हैं एस सी आर ई ए एम स्क्रीम। स्क्रीम मीन्स भी होता है चीख मारना, ठीक है। उसके बाद है शिप एस एच ई ई पी शिप। शिप मीन शिप के साउंड को क्या बोलते हैं, शिप मीन्स होता है भेड़ और उसके साउंड को क्या बोलते हैं, ब्लिट या बा बा, मतलब उसकी जो आवाज़ निकलती है वो बा बा निकलती है। हेन हेन के साउंड को क्या बोलते हैं, क्लक सी एल यू सी के क्लक, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी साउंड्स नेम याद कर लीजिएगा, और ज़रूरी है क्योंकि आपके बुक से आपके चैप्टर से रिलेटेड है। तो ये तो कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद मैं आपको शेल्टर नेम लिखाऊंगी, कुछ एनिमल के शेल्टर नेम के बारे में। और कुछ एनिमल के शेल्टर नेम आप जानते हैं, जैसे काऊ शेड, कैटल शेड उसे बोला जाता है, हॉर्स स्टबल होता है, डॉग कैनल होता है ना। उसके बाद आपको डेन, डेन किसके घर को बोलते हैं, तो वो लायन के घर है ना। इस तरह से आप कुछ एनिमल्स के शेल्टर नेम जानते हैं और कुछ के नहीं जानते हो, तो उसे मैं लिखवा दूंगी और आपको रिमेम्बर करना है। और ये आपका चैप्टर 3 से रिलेटेड है, ठीक है ना, एनिमल फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो चलिए मैं आपको लिखवाती हूँ और आप इसे नोट कीजिए, ठीक है। लायन के शेल्टर को क्या बोलते हैं, डेन, ओके। उसके बाद है डॉग, डॉग कहाँ रहता है, तो कैनल में, उसके घर को क्या बोलते हैं, कैनल के ई एन एन ई एल कैनल, ठीक है। शिप एस एच ई ई पी शिप। शिप कहाँ पे रहता है, तो पेन में, ठीक है, उसके घर को हम पेन बोलते हैं। मतलब चारों तरफ से क्या कर दिया जाता है, लकड़ी का, लकड़ी को काट के और उसमें कील ठोक कर चारों तरफ से एक बाउंड्री तैयार की जाती है, और उसके अंदर शिप को डाला जाता है, उसी को पेन बोला जाता है, मतलब वो ओपन रहता है। और कैनल क्या होता है, एक लकड़ी का छोटा सा घर बनाया जाता है जिसमें कुत्ते रहते हैं। और डेन तो आपको पता ही है, ये जंगलों में होता है,
और ये पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है वैसा होता है। उसके बाद है कैट। कैट कहाँ रहती है? तो ज़्यादातर कैट जो हम लोग यानी कि हम इंसानों के घरों में रहती है, ठीक है, तो वो इंसानों के साथ ही रहती है। और कुछ कैट का जो पिंजरा होता है, मतलब उसको जो पाला जाता है तो उसको पिंजरे में रखा जाता है, तो केज भी हो सकता है या हाउस भी हो सकता है। मतलब हम इंसानों के साथ रहती है तो हाउस भी हम लिख सकते हैं या केज, उसका पिंजरा होता है तो उसमें भी रखा जाता है। बुल, ठीक है, ये कैटल शेड में। ठीक है, एलिफेंट, तो एलिफेंट जंगल में ही रहता है, जंगल में ही रहता है ये, है ना। उसके बाद सेवन हेन। हेन मुर्गी वो कहाँ रहती है? तो कुक में, ठीक है, तो सेवन हो गया। और दो तीन और लिखवा देती हूँ। तो इस तरह से आप एनिमल्स नेम एक तरफ उतारिएगा और उनके शेल्टर नेम्स एक तरफ उतारिएगा, मतलब सामने सामने, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है उसी तरह आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इसे नोट कर लेंगे। एट नंबर है गूज, जी ओ ओ एस ई, गूज, वाटर में रहती है, ठीक है, जिसे हम हंस बोलते हैं। तो इस तरह से आपको एनिमल्स नेम है और उनके सामने उनके शेल्टर्स नेम है। तो टोटल मैंने एट दिया है और एट ही रहने दीजिए क्योंकि आपको रिमेम्बर भी करना है। जो इससे पहले मैंने साउंड्स नेम लिखवाया है उसे आप रिमेम्बर कीजिएगा और इसे बस नोट कर लीजिए। और जब मैं इसे कंप्लीट कर दूंगी और जो मंडे का क्लास होगा उसमें मैं आपको बता दूंगी कि आपको इसमें याद करना है। फिलहाल आपको क्या रिमेम्बर करना है? तो एनिमल्स एंड देयर साउंड्स, ठीक है, उसे आप रिमेम्बर कीजिएगा। टोटल रिमेम्बर करके आपको क्या करना है, आपकी जो पढ़ाई में स्टडी में आपकी हेल्प करते हैं उन्हें सुनाना है और हर हाल में सुनाइएगा। ये नहीं कि सिर्फ नोट करके छोड़ देना है, नहीं, उसे आप अच्छे से रिमेम्बर कीजिएगा। उसके बाद आप अपने मम्मी पापा या किसी कोई भी है घर में जो आपकी पढ़ाई में हेल्प करते हैं उन्हें आप सुना दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये एनिमल्स एंड देयर शेल्टर्स, ठीक है ना। शेल्टर्स नेम, ठीक है, तो इसको आपको नोट कर लेना है, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में नोट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। और हमारा जब क्लास एंड होता है तो मैं आप सभी को क्या देती हूँ, गुड मैनर टिप देती हूँ। और गुड मैनर टिप क्या है आज का? तो डू नॉट लीटर, मतलब आप सभी बच्चों को या हम सभी इंसानों को कचरा नहीं फैलाना चाहिए, या घर हो, बाहर हो, कहीं पे भी हम लोग हो, तो हमें क्या करना चाहिए, साफ सफाई के साथ रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।